हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही फेवरेट शो में जिसका नाम है लाइफ कोचिंग विद नमिता पुरोहित, जीवन में बने विजेता। ये हमारा शो आपको हमारी जिंदगी के कई अनेकों पहलुओं से बहुत ही सुंदरता से मिलवाता है और आपको वाकिफ करवाता है अनेकों ऐसे टॉपिक्स और प्रश्नों से जो कई बार हमारे अंदर ही चल रहे होते हैं और हम किसी को व्यक्त ही नहीं कर पाते क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि ये भी एक समझ की बात है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा सुंदर है क्योंकि हम इस संसार में सभी व्यक्ति प्रेम ढूंढते हैं, वी ऑल फाइंड लव, परंतु इस संसार में सभी से प्रेम ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं हम सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को भूल जाते हैं, उनका ध्यान रखना भूल जाते हैं, उनसे प्रेम करना भूल जाते हैं और सबसे ज्यादा निग्लेक्ट या फिर बुरा व्यवहार उन्हीं के साथ किया जाता है और वो कोई और नहीं, वो है हम स्वयं। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ लव। तो आज नमिता जी हमारे लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये सेल्फ लव का अर्थ क्या है, स्वयं को प्रेम करने का अर्थ क्या होता है, सही मायने में हम स्वयं से प्रेम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शो नमिता जी के साथ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमिता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जैसे कि हर बार आपका बहुत ही यूनिक टॉपिक होता है, इस हफ्ते भी आपने एक बहुत ही यूनिक टॉपिक हमारे दर्शकों के लिए चुना है और वो है सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम करना। तो आप प्लीज हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग दीजिए, कुछ समझाइए ये टॉपिक में आप क्या बताने जा रही हैं आज। जैसे कि ये लाइफ कोचिंग, मतलब जो ये हम ये शो कर रहे हैं एवरी वेंसडे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे। पिछले दो हफ्तों से हम टॉलरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पहले हमने गोल्स के बारे में, यू नो, हु टू बी चूज योर लाइफ पार्टनर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हाउ टू बी हैप्पी इन डिफरेंट सिचुएशंस, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में, काफी बहुत सारे शोज में एक थीम मैंने हमेशा पकड़ के रहा है कि खुद से प्रेम करना, आत्म प्रेम, सेल्फ लव। और ये एक बहुत जरूरी फाउंडेशन है सो दैट वी कैन डू ऑल अदर थिंग्स वेरी सक्सेसफुली। तो बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं हर शो में बहुत डिटेल में टिप्स नहीं दे पाती हूँ बिकॉज हम लोग उस पर्टिकुलर शो के टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई ये सेल्फ लव क्या है, कैसे करें इसको, हाउ डू वी डू इट, और मैं बहुत उसको आई कांट गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल। सो मैंने इसलिए सोचा कि एक दिन पूरा टॉपिक इस पे ही डेडिकेट करते हैं और ये सेल्फ लव क्या है, ये आत्म प्रेम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा कि आज मैं क्या डिस्कस, क्या क्या पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ, तो एक तो है कि ये व्हाट इज सेल्फ लव, दूसरा है कि ये, यू नो, हम लोग भक्ति मार्ग पे हैं, हम कृष्ण भावनामृत पे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए सेल्फ लव क्यों जरूरी है, ये कहीं इगोइस्टिक तो नहीं हो जाता है, और डेली टिप्स क्या कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, और हमारे आचार्यों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो ऐसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं एवरी वेडनेसडे आ पाती हूँ हरे कृष्णा टीवी चैनल पे और आप सबके साथ में बातचीत कर पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है। तो बहुत ही यूनिक टॉपिक, जैसे आपने कहा, हम आत्म प्रेम के बारे में बात करेंगे। तो नमिता जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि आध्यात्मिकता में आत्म प्रेम का स्थान क्या है, क्या यह दर्शन के विरुद्ध है, दर्शन शास्त्र जो था, फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, क्या यह उसके विरुद्ध है, क्या हमें कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को प्रेम नहीं करना चाहिए या प्रेम करना चाहिए। तो जैसे हम भक्ति मार्ग में, बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे हम भक्ति मार्ग में आते हैं, हम बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, गीता सुनते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम रजा, मतलब कि बस, यू नो, अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन, सिर्फ भगवान की शरण में हमको जाना है, हमें भक्ति का बस तदा तदा एकात्म मनसा, मतलब पूरे मन से एक
सिंगल पॉइंटेड फोकस, व्यवसायत्मिका बुद्धि, हमें बस भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का ध्यान करना है और हमारे पूरे जीवन को इस तरह जीना है कि हम हर एक चीज केवल भगवान की के लिए करें, भगवान को खुश करने के लिए या डिवोटीज को खुश करने के लिए, भक्तों को खुश करने के लिए करें। तो जब हम फिर ये सेल्फ लव सुनते हैं कि नहीं मुझे आत्म प्रेम करना है, मुझे खुद से प्रेम करना है, तो ये बड़ा ऑपोजिट लगता है। अरे नहीं, ये पूरा जीवन तो सिर्फ कृष्ण भगवान के प्रेम में है, तो ये क्या है ये सेल्फ लव? ये सब बहुत मॉडर्न बातें हैं और ये कुछ नई नई यू नो ये साइकोलॉजिकल बातें लेकर आ जाती है ये, और यू नो ये बिल्कुल हमारे फिलोसफी से कनेक्टेड नहीं है। तो मेरा जो समझना है मैं वो शेयर करना चाहूंगी, फिर हमारे आचार्यों ने क्या कहा है इसके बारे में, आई विल ऑल्सो शेयर दैट विथ यू। तो सेल्फ क्या है? जब हम आत्म प्रेम सोचते हैं, सेल्फ लव सोचते हैं, तो पहले हमें समझना है कि सेल्फ क्या है। सेल्फ मतलब मैं, मेरी आत्मा, मैं खुद जो आत्मा हूं। तो एक तो जो स्पिरिट सोल है, लेकिन उसके ऊपर की जो कंडीशनिंग है उसे भी मैं एक अपने आप से ही आइडेंटिफाई करती हूँ। तो एक स्पिरिचुअल सेल्फ है और एक कंडीशन सेल्फ है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज आर सेल्फ। सो वी हैव अ स्पिरिचुअल सेल्फ बट वी ऑल्सो हैव अ कंडीशन सेल्फ, है ना, जो अपने आप को मतलब ईगो के कारण और ये मटेरियलिज्म से आइडेंटिफाई करके, फॉल्स आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करके जीवन जी रहा होता है और हमेशा एक तनाव सा रहता है स्पिरिचुअल सेल्फ और कंडीशन सेल्फ में। कंडीशन सेल्फ यहाँ भागना चाहता है, स्पिरिचुअल सेल्फ इस तरफ जाना चाहता है, तो वो दोनों को साथ में रख के चलना पड़ता है क्योंकि हमें बॉडी एंड माइंड साथ में लेके ही हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पे व्हाट इज सेल्फ लव एंड कंडीशन लेवल पे सेल्फ लव क्या, और एक भक्त कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकता है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे व्हाट इज सेल्फ लव, सेल्फ कौन है? आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है और आत्मा का धर्म है और आत्मा का अल्टीमेट गोल है और आत्मा की अत्यंत प्रसन्नता, अल्टीमेट खुशी सिर्फ भगवान की शरण में जाती है। तो हु इज कृष्णा, हु एम आई, व्हाट इज माय रिलेशनशिप टू हिम, और भगवान की सेवा में अर्पण होना, सो दैट इज स्पिरिचुअल सेल्फ लव। सेल्फ का ध्यान रखना, स्पिरिचुअल सेल्फ का ध्यान रखना, भगवान की भक्ति में आगे जाना। फिर ये जो कंडीशनिंग है, ये जो मन बुद्धि है, अहंकार है, ये जो वृत्तियां है, डिजायर्स है, फिर हमारी नीड्स है, एक तो हमारी चाहत है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन एक कुछ हमारी जरूरतें होती है कंडीशन सेल्फ की, कंडीशनिंग के कारण जो हम ये मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में आ गए उसके कारण एक हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। तो इस शरीर को, इस मन को हमारा फिजिकली ध्यान रखना, इमोशनली ध्यान रखना, हमारी इच्छाओं का ध्यान रखना, भक्ति के जो मतलब सीमाओं में उसका ध्यान रखना, वो सबका एकीकरण करके स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना इज सेल्फ लव। क्योंकि अगर हम इस शरीर को सिर्फ माया समझेंगे, मन बुद्धि को सिर्फ माया समझेंगे कि अरे ये मन है, ये सब माया है, एक्चुअली ऐसे नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि अरे ये शरीर, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, ये जो बॉडी है ये गाड़ी के समान है, मुझे इस गाड़ी का ध्यान रखते हुए, जो गाड़ी चालक है उसका ध्यान रखते हुए और गाड़ी का ध्यान रखते हुए ही मैं मार्ग पे आगे बढ़ के मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगी। अगर मैंने सिर्फ गाड़ी चालक का ध्यान रखा, गाड़ी का ध्यान नहीं रखा, अरे वे ठोको पीटो, पेट्रोल मत भरो, कुछ मत करो, आगे बढ़ाए जाओ, तो हम आगे कैसे मतलब नहीं बढ़ सकते हैं। दैट इज योर कंडीशन सेल्फ। ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर साथ में है, उसका ध्यान रखना है, गाड़ी चालक का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। सो दैट इज सेल्फ लव। और ये इसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल पे दर्शकों को पॉइंट आउट करूंगी। एक हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी का एक आर्टिकल है और उसका टाइटल है फ्रॉम माई हार्ट बिलवड ऑफ गॉड। आप लोग उनकी वेबसाइट पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और उन्होंने पूरे डिटेल में इतनी अच्छे से सारे एंगल्स को कवर करते हुए, हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए ये सेल्फ लव पे, आत्म प्रेम पे एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है। और उसमें उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को कोट किया है, उनकी एक सेंटेंस को, एक पर्पोर्ट को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर की जब हम सब प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, शरणागति की पढ़ते हैं, जो उन्होंने खूब सारे भजन लिखे हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि वो कैसे मतलब उनको अपने आप से कितना मतलब वो हाउ ही इज वेरी सेल्फ इफेसिंग, और वो कह रहे हैं कि अरे मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ भक्ति के, और यू नो कैसे वो अपने आप को एकदम विद सो मच ह्यूमिलिटी उन्होंने वो सारी प्रार्थनाएं पेश करी हैं।
एंड टू हियर अबाउट सेल्फ लव फ्रॉम भक्ति विनोद ठाकुर। तो मानसी जी थोड़ा समय और दो तो मैं ये पढ़ना चाहती हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है। बिल्कुल मैं वो सचिनंदन महाराज के ही आर्टिकल वो जो उन्होंने ऐसे लिखा है उसमें से ही एक स्नैपशॉट ये छोटा सा मैं पढ़ती हूँ। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर प्रेयर लिखी है और उसका नाम है प्रेयर ऑफ अ लवर ऑफ गॉड। तो मतलब भगवान के प्रति जिसको प्रेम है वो उसकी प्रार्थना, और ये प्रार्थना करते हुए कि कैसे मुझे रोज अपना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, सब भगवान के प्रति कैसे भगवान की सेवा में लगना है, कैसे वैष्णवों की सेवा में लगना है, और भगवान के नाम का स्मरण करना है, चैंटिंग करनी है, और उनकी भी जो भी भगवान की शरण में है मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी है, सब गुरुओं की, सब भक्तगण की। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर टर्न्स डायरेक्टली टू हिमसेल्फ एंड प्रेज फॉर सेल्फ लव, और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, लेट मी आल्सो लव माय सेल्फ हु आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स कृष्णा सो दैट आई मे अटेन डिवोशन टू हिम। सो भगवान मैं खुद से भी प्रेम करूं, आत्म प्रेम करूं, क्योंकि मैं आपके प्रति आकर्षित हूं और उससे मैं आपके भक्ति में और आगे अच्छे से बढ़ पाऊंगा। और ये इसका रेफरेंस है कमेंट्री ऑन भजनामृतम कोटेड इन भक्ति विनोद वाणी वैभव वॉल्यूम्स 2 एंड 3 पेज 408। वो आर्टिकल में ये है, तो आप वो आर्टिकल अगर आपको मिलेगा फ्रॉम माय हार्ट बिलव्ड ऑफ गॉड बाय सचिनंदन महाराज तो उसमें ये है। सो दिस इज व्हाट आवर आचार्य से, सो सेल्फ लव इज देयर, सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, और हम ये सेल्फ को, स्पिरिचुअल सेल्फ को, कंडीशनड सेल्फ को ऑनर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मन, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी नीड्स, हमारे शरीर का, इन सब का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम साधना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बताया कि कैसे हमें आत्म प्रेम, आध्यात्मिक आत्म प्रेम क्या होता है। परंतु नमिता जी, क्या हमें दूसरों से प्रेम नहीं करना चाहिए या दूसरों की सेवा नहीं करनी चाहिए? तो यदि हम दूसरों से प्रेम करते हैं या दूसरों की सेवा करते हैं तो क्या ये हमारी आध्यात्मिकता में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे सेल्फ आत्म प्रेम में, ये कोई डिस्ट्रैक्शन है यदि हम किसी और से प्रेम करते हैं या उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं? तो जो जिस मार्ग पे हैं, और ये सिर्फ एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ पे में हो सकता है कि हम सिर्फ खुद की जरूरतें नहीं, हम उनसे ऊपर उठ के हम दूसरों की सेवा में एक हायर पर्पस के लिए हम जीवन जी सकते हैं, भगवान की सेवा का और लोगों की सेवा का। तो ये फैसिलिटी कि हम खुद के ऊपर उठ के लोगों की सेवा करें, तो भागवत में, गीता में हमें भक्तों की सेवा करनी है, हमें जन की सेवा करनी है, जीवात्माओं की सेवा करनी है प्रॉपर वे में, क्योंकि वो सब भगवान के अंश हैं। तो ये हमें करना है, लेकिन ये तब तक अच्छे से नहीं हो पाएगा जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे। तो जैसे भगवद गीता के जो 6th chapter है और जो 32nd verse वगैरह है, जैसे 6th अध्याय में एक योगी के बारे में काफी कहा गया है, अष्टांग योगा के बारे में कहा गया, और प्रभुपाद जी ने तो हर एक चीज में भक्ति योग के बारे में ही मतलब दर्शन दिया है उन सेक्शंस में भी। लेकिन उसमें शायद जो 6th है 30th है या 32 है, अब मुझे वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है उसमें ये कहा जाता है कि द ट्रू योगी कैन ट्रूली अंडरस्टैंड द इक्वालिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बींग in spite of their happiness and distress by his own experience. So a true yogi by his own experience can understand the equality of every human being, of every living entity, not human being, every living entity, in spite of whatever happiness and distress they're going. Now what is this meaning of by his own experience? Hai na, to jo true yogi hai वो खुद के एक्सपीरियंस है, लोगों की हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस को समझते हुए भी ये देख सकता है कि नहीं, हम सब सेम है, हम सब की कॉमनैलिटी है। तो इसके बारे में एक लेक्चर में मैंने सुना था, बाय हिज ओन एक्सपीरियंस मतलब क्या, ऐसा नहीं कि भाई वो एक दिन में ही आके पूरे एडवांस्ड हो गए थे, है ना,
उन्होंने ये आत्म प्रेम सीखा है, खुद का ध्यान रखना, खुद के इमोशंस का ध्यान रखना, खुद की नीड्स को समझना, जरूरतों को समझना, आवश्यकताओं को समझना, उन पे ध्यान देना, नहीं देना, अपने आप को संभालते संभालते आगे वो बढ़े हैं, इसलिए वो दूसरे की स्ट्रगल भी समझ सकते हैं। तो जब हम खुद से प्रेम करते हैं, हम खुद की स्ट्रगल समझते हैं, खुद की डिफिकल्टी समझते हैं, तभी हम ट्रूली दूसरे की भी हेल्प कर पाएंगे। अगर हमने खुद को ही नहीं समझा, खुद की डिफिकल्टीज को, खुद के इमोशंस को, खुद खुद में हिम्मत कब टूटती है, खुद को दुख कब होता है, हम खुद को कैसे साहस देते हैं, खुद को कैसे धाड़स बंधाते हैं, कैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने आप से प्रेम करते हुए, अगर हमने वो सब खुद से नहीं सीखा, तो हम दूसरे की डिफिकल्टी, दूसरे की परेशानी, दूसरे की तकलीफ कैसे समझ के उसको कैसे हेल्प कर पाएंगे। इसलिए फिर हम यही एक आंसर देते, क्योंकि खुद का कुछ समझा नहीं, हम दूसरे को भी बोलते चैंट हरे कृष्णा, एवरीथिंग विल बी फाइन, है ना। तो यस, हरे कृष्णा महामंत्र सबसे पावरफुल है, सबसे स्ट्रांग है, और ये आगे ये महामंत्र है कलयुग के लिए, तो ये इससे सबका भला होगा। लेकिन ये ऐसे ही कोई मैजिक से नहीं हो जाएगा। एक योगी को खुद के एक्सपीरियंस से दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को भी उन चीजों को प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये ब्लॉक नहीं करता है, दोनों साथ में जाते हैं। जितना आप खुद से प्रेम करेंगे, आप उतना दूसरे से कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास प्रेम नहीं, आप दूसरे को क्या दोगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं से इसीलिए प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने कुछ गलतियां की होती है। तो हम स्वयं से कैसे प्रेम करें, कुछ गलतियों के बावजूद भी हम स्वयं से कैसे प्रेम करें, क्योंकि हम अपने आप को ही बड़ा दोषी मानने लगते हैं, बड़ा दोष देने लगते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। तो गलतियों के बावजूद हम स्वयं से कैसे प्रेम करें। तो ये जो मतलब जो मैच्योर डिवोटी होते हैं और जो मतलब ये आत्म प्रेम को प्रॉपरली समझते हैं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो अपने आप को जूते नहीं मारते हैं कि मेरे से गलती हो गई जी, अब यू नो ये गलत कर दिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया मुझे, बस आई एम यूजलेस, आई एम हॉरिबल, दिस इज लाइक यू नो। वो फिर हम एक ह्यूमिलिटी को समझने लगते हैं कि हमको लगता है वी हैव टू बी हम्बल, मतलब मैं हॉरिबल हूँ, मैं बेकार हूँ। लेकिन आत्म प्रेम का मतलब ये मतलब खुद की गलतियां है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जूते मारे और तभी हम एक हम्बल डिवोटी हैं। जो मैच्योर डिवोटी होते हैं, जो प्रॉपरली सिचुएटेड इन सेल्फ लव होते हैं, वो जूते नहीं मारते, वो ये समझते हैं विथ ह्यूमिलिटी कि आई एम नॉट परफेक्ट एंड इट्स ओके, वर्क इन प्रोग्रेस। परफेक्ट कोई नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस, भाई हम प्रोग्रेस के मतलब गतिशीलता के मार्ग पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने में भाई पूरे तो हम धुले नहीं ना, अभी भी नहा रहे हैं, साफ हो रहे हैं। तो वो ये समझते हैं, और जैसे ये जैसे एक वो जैसे गलतियों को वो एक छाया समझते हैं। क्या हमारी छाया हम खुद हैं? क्या हम हमारी छाया थोड़ी है? तो ये गलतियां मैं खुद नहीं हूं, ये मेरी कंडीशनिंग है। जो रियल सोल है वो प्योर है, ये गलतियां कंडीशनिंग है। तो ठीक है, मैं आत्म प्रेम करते हुए विद लॉट ऑफ सेल्फ लव, बहुत अनुकंपा कंपैशन के साथ में समझते हुए कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, लेट मी लर्न फ्रॉम इट एंड मेक प्रोग्रेस। तो उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप रहता है खुद की गलतियों के साथ पे भी। वो ऐसे अपने आप को छुपा नहीं रहे होते, अपने आप को मार नहीं रहे होते या हाइड नहीं कर रहे होते, वो रहता है हाँ ठीक है ये गलती हो गई, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गलतियां होनी ही है। तो आपने यहाँ पर विनम्रता की बात की, तो हम आत्म प्रेम को विनम्रता से कैसे जोड़े, क्योंकि जैसे आपने कहा विनम्रता होते होते कई बार हम अपने आप को ही बहुत ही ज्यादा कोसने लगते हैं। तो सेल्फ लव तो जरूरी है, पर उसके साथ में हम विनम्रता के साथ में संबंध कैसे स्थापित करें, रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करें, बिकॉज ह्यूमिलिटी भी होना जरूरी है, विनम्रता भी व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। यस, और ह्यूमिलिटी तो बहुत ही जरूरी है, ये विनम्रता, ताकि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाए, ताकि हम पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत हो सके। तो ये विनम्रता क्या है इन सेल्फ लव? पहले तो हम ये समझे व्हाट इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता, है ना। यूजली क्या है, हम ह्यूमिलिटी को ये समझते हैं कि अरे मैं तो बेकार हूँ, अरे आप ही बहुत अच्छे डिवोटी हैं, अरे मैं तो एकदम बेकार हूँ, मैं तो एकदम यू नो आई एम लाइक अ वर्म इन द स्टूल, और मैं तो एकदम गंदी नाली का कीड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, यू नो सो मेनी थिंग्स।
ये सब ह्यूमिलिटी नहीं है, दिस इज लाइक यू नो लो सेल्फ एस्टीम। हम क्या वो आचार्यों की प्रेयर्स पढ़ते हैं, वो बोलते हैं आई एम दिस, तो हमको लगता है कि हमें भी उस स्टैंडर्ड पे होके हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन पहला स्टेप ह्यूमिलिटी में है कि भाई आप जहाँ हैं आप वो स्टेप से एक्ट कीजिए। पहले आप समझिए आप उतने नहीं है भैया, आप में उतनी ह्यूमिलिटी है नहीं। आप जैसा अपने आप को समझते पहले आप वो स्तर पे रहिए और वहां से शुरू करिए, जो अधिकार कहते हैं। अब ह्यूमिलिटी का अर्थ ये है टू हैव द राइट एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ, है ना, कि यस मेरे में ये अवगुण है and I have a decent relationship, I accept myself, ये अवगुण है, ये बहुत सारे अवगुण है मुझे, मेरे में सहन शक्ति नहीं है, गुस्सा आता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ होता है, और हाँ मेरे में ये गुड क्वालिटीज भी हैं, मेरे मन में सेवा भाव है, मेरे मन में खुद को इम्प्रूव करने की इच्छा है, मेरे मन में भगवान के प्रति शायद एक अंश थोड़ा प्रेम है ना, मेरा मुझे अच्छा लगता है लोगों का ध्यान रखना, मुझे अच्छा लगता है शास्त्र पढ़ना। तो ह्यूमिलिटी मतलब टू हैव द राइट एस्टिमेशन। ह्यूमिलिटी या विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि बस हम बुरी चीजों को देख देख के अपने आप को कोसते रहे और अच्छा तो मुझमें कुछ है ही नहीं, नहीं हम में दोनों है। तो मेच्योर जो डिवोटी है या जो मेच्योर लोग हैं दे आर कंफर्टेबल विद द गुड एंड द नॉट सो गुड, है ना, वो एक विनम्रता हो गई। और जो नॉट सो गुड है उसको उसमें अपने आप को अनुकंपा से कंपैशन से नर्चर करना, जूते नहीं मारना, और उन चीजों को गोल बना के धीरे धीरे उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो ये जो ह्यूमिलिटी है और ये सेल्फ लव है ये साथ में चलते हैं। अब इसमें रिस्क होता है, कई लोग क्या होता है कि अगर सेल्फ लव को हमने बराबर से नहीं समझा, गलत वे में समझा, इमेच्योर वे में समझा, तो हमें सेल्फ लव क्या लगता है, सेल्फ लव मतलब मैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी करूं, चाहे दूसरा सुखी हो मेरे साथ में या नहीं हो, चाहे मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ नहीं बढ़ रही हूँ, चाहे मैं अपने स्पिरिचुअल गोल्स में आगे बढ़ रही हूँ नहीं बढ़ रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। यू नो बॉम्बे की ट्रेन अभी शुरू हुई है तो भैया वो 3 सीट होती है, चौथी सीट आदमी यू नो इंसान आधा बैठता है। आप अगर ग्रैंड रोड से मीरा रोड जा रहे हैं तो लोग आपको दादर में भीड़ बढ़ जाती है, लोग दादर से ही आपको पूछने लगते हैं कहाँ उतरोगे, तो आप कहोगे जी मैं यू नो अंधेरी, तो दे जस्ट डू दिस, मतलब तुम उठोगे मैं आके वहां बैठूंगी क्योंकि मुझे मीरा रोड जाना है अंधेरी से मीरा रोड। तो अभी जो सेल्फ लव का नया नया किसी ने अभी सीखा है और उसे लगेगा यार ये चार चार लोग क्यों भर रहे, मैं ये सीट पे अकेली बैठूंगी। सेल्फ लव मीन्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय ओन नीड्स, मैंने अभी अभी यही सुना है, मुझे खुद का ध्यान रखना है, दूसरे गए भाड़ में। सो ये रिस्क हो जाता है और उसमें हम विनम्रता को भी खो जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ खुद को एक बड़े आर्टिफिशियल वे में एक ध्यान रखने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वी स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी और हम ज्यादा ज्यादा ये जो भौतिक भौतिक चीजों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है। तो हमें भाई अच्छे कपड़े मुझे ही पहनने हैं, मुझे इसके साथ शेयर नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, तो वी स्टार्ट लूजिंग आवर स्पिरिचुअल क्वालिटीज। तो जब हम सेल्फ लव के बारे में सोचते हैं तो हमें सेल्फ लव विथ ह्यूमिलिटी ये दोनों ज्वाइन करके आगे चढ़ना है, तभी हम मीरा रोड के मंदिर में पहुंच सकते हैं। ये अच्छी बात है कि सेल्फिश नहीं हो जाना, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस एंड थिंकिंग अबाउट वन्स ओन सेल्फ, बट सभी का ध्यान रखते हुए स्वयं का भी ध्यान रखना, बैलेंस। एग्जैक्टली, परफेक्ट, यस। नमिता जी अब आपकी जर्नी हम जानना चाहते हैं कि आपने स्वयं से कैसे प्रेम किया है, आपने ये सेल्फ लव अपने जीवन में कैसे लागू किया है। मैं क्या काफी बीमार पड़ गई थी फिजिकली, है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई थी जो समझ नहीं आ रही थी। तो बीमार पड़ने के पहले भी मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था एक दो साल से कि ये कुछ तो द वे आई एम लिविंग इज नॉट हेल्दी, मतलब फिजिकली हेल्दी नहीं है, इमोशनली हेल्दी भी नहीं है। और फिर मैं काफी बीमार पड़ गई और फिर मुझे मतलब बीमार आप पड़ते हो फिर आपको सोचना पड़ता है कि आपके जीवन को भी आपको कैसे चलाना है, ये तरीके से तो कुछ फायदा हो नहीं रहा, हम तो बीमार पड़ गए इस सोच से, इस लाइफस्टाइल से, तो हमें कैसे चलना है, कैसे करना है।
और प्लस मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी थी, मैं रही थी वहां काफी टाइम तक, तो मुझे कई बातें समझ में आई। पहले जो कुछ थी और वो लाइफस्टाइल चेंज करने थे लेकिन वो हो नहीं पाए, उसके कारण फिर मैं बीमार पड़ गई। और बीमार पड़ने के बाद में वो डॉक्टर से मुझे वही बातें सुननी पड़ी जो मैं पहले सोच रही थी, बट नाउ आई वाज फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट। तो मुझे उस डॉक्टर ने एक चीज कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अनएक्सप्लेन्ड मेडिकल इश्यूज जो होते हैं वो ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, या हम अपनी इच्छाओं को दबा रहे होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दबा रहे होते हैं, हम अपने आप को पूरा दबा के कुछ तो एक जीवन जीना चाहते हैं जो कि खुद से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहता है। जो आप खुद हैं, आप स्वयं हैं, जो मैंने कहा कंडीशन सेल्फ है, उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम गाड़ी का ध्यान नहीं रख रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं आत्मा का ध्यान हम अच्छे से रख रहे हैं बाय फुल्ली एंगेजिंग इन भक्ति एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये हमारे शरीर है उसका ध्यान रखना है, लेकिन हमें हमारे मन का, हमारी भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का, हमारे गोल्स का, हम क्या करना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखना है। और मुझे पता है कि देन यू नो यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड यू नो व्हेन यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू चेंज योर लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि मैं जो जीवन जी रही थी तब तक, मेरा जीवन जीने का जो स्टाइल था या जो मुझे समझ आया था कि मेरी खुद की इच्छाओं की कोई वैल्यू नहीं है। आई एग्जिस्ट टू सर्व अदर्स, फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी हो गई, डिवोटीज हो गए। खुद की इच्छा का कहाँ ध्यान रखना होता है, खुद के मन का क्या ध्यान रखना है? अच्छा, ये करने से ये लोग खुश हैं, ठीक है अपन ये कर लेंगे, अब ये करने से ये लोग खुश हैं, हम ये कर लेंगे। उसमें क्या होता है, आप अपने आप को भूल जाते हो, आप क्या खुद हो आपको पता नहीं रहता है, बिकॉज आप एक सबको यू नो यू कीपिंग एवरीवन हैप्पी। और उससे क्या होता है, आपकी कंडीशन सोल वांट्स टू लिव लाइफ इन अ सर्टेन वे। ये आत्मा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यहाँ पे जन्म लिया है, वो पर्पस वो फुलफिल करना चाहती है। तो वो फुलफिल नहीं होता है तो फिर क्या होता है, अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है एज यू कीप डिनाइंग योर सेल्फ योर लाइफ। एंड दिस हैपेंस अ लॉट टू मेनी पीपल प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई हैव सीन इट मेनी प्लेसेस। और इसमें एक और चीज होती है कि दूसरे लोग हमारा एडवांटेज नहीं ले रहे होते हैं। इट इज नॉट राइट कि हम दूसरों को ब्लेम करें, अरे ये लोग मेरा फायदा उठा लिया, अरे मैं इनके लिए कर रही थी, इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ये मुझे एक सीनियर मतलब जो मैं जिनसे काफी गाइडेंस और लेती हूँ, मेरे जो शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने मुझे समझाया था, नहीं किसी ने तुम्हें अब्यूज नहीं किया है, तुमने अपने आप को अब्यूज किया है ना। यू हैव अब्यूज योरसेल्फ। एंड देन जब आप बीमार हो गए तब आप अकेले बीमार पड़े ना, वो लोग के लिए आप यूजफुल नहीं थे, आप बीमार पड़े हो तो वो लोग फिर अपना काम दूसरी जगह निकालते हैं। सो नॉट ब्लेमिंग एनीबडी हियर, बट वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सेल्व्स कि अच्छा मेरी ये आत्मा है, ये मेरा शरीर है, मेरी ये इच्छाएं हैं, मुझे जीवन में ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, तो उनको हमको नहीं नकारना है। तो जैसे आपने कहा पिछले क्वेश्चन के समरी में, दूसरों का भी ध्यान रखते हुए खुद का ध्यान रखते हुए आगे बैलेंस करना है। तो मैं एक एक्सट्रीम में थी, वेयर आई डिडंट नो हाउ टू लव माय सेल्फ, आई डिडंट नो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट लाइक सेल्फ लव। आई जस्ट थॉट इट वाज यू नो जस्ट कीप सर्विंग दिस, यू आर नॉट सपोज टू एग्जिस्ट, यू आर नॉट सपोज टू यू नो दिस इज ऑल माया, टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स और ये सब। लेकिन उससे फिर भी बीमारियां हो गई, फिर ध्यान रखना पड़ा, फिर सेल्फ लव काफी करना पड़ा और आगे बढ़े फिर धीरे धीरे। और फिर मैंने सोचा कि मैं मुझ में काफी गलतियां हैं, काफी सारी चीजें जो मुझे आई स्टिल हैव टू वर्क अपॉन एंड इम्प्रूव, आई एम इन वर्क इन प्रोग्रेस है ना। बट मुझे फिर ये लगा कि इफ इन माई लाइफ आई कैन शेयर सेल्फ लव इवन विद वन पर्सन, किसी एक का भी जीवन ये मतलब जो मेरे को बीमार होके सीखना पड़ा, कोई ये बिना बीमार हुए सीख जाए तो मेरी लाइफ का उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि लोग अपने आप को कंपैशनेटली ट्रीट करें, खूब आत्म प्रेम के साथ और आगे बढ़ते रहें। एक और बात कहना चाहूंगी, ये जब हम ये आत्मा की आत्मा जो होती है, जब ये नया शरीर मिलता है जन्म पे, तो आत्मा की पर्टिकुलर प्रोपेंसिटीज होती है, पर्टिकुलर नेचर होता है ना। तो जो शरीर मिलता है, जो उसमें वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन होता है, वो वैसा शरीर मिलता है ताकि वो जो आत्मा है वो अपने उस नेचर को पूरी तरह फुलफिल कर पाए, उन इच्छाओं को पूरा कर पाए, उस नेचर को लिव कर पाए। आत्मा को एक शरीर चाहिए ना टू लिव,
their desires and their nature. So according to the nature, we get the body. तो जो नेचर है वैसा शरीर मिलता है. अभी हमको लगेगा ह्यूमंस है, नहीं, ह्यूमंस में भी हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से. किसी में फायर ज्यादा होता है, किसी में वात ज्यादा, वायु ज्यादा होती है, किसी का कुछ कोई कोई ना कोई प्रिडोमिनेंट रहता है. तो आपको जो शरीर भी जो भगवान ने दिया है वो आपके नेचर के हिसाब से दिया है, सो दैट यू कैन लिव योर नेचर. बट हम लोग हमारे नेचर के विपरीत काम करने जाते हैं और दैट इज नॉट सेल्फ लव. फिर बीमारियां होती हैं, वो शरीर को आप उस वे में यूज नहीं कर रहे हो, फिर बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं. सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, फिर आप क्या साधना करोगे. बिल्कुल सही बात है. कई लोगों की ना, जैसे आपने कहा, आपकी भी जो सोच थी, कई लोगों की बहुत सारी अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग सोच होती है सेल्फ लव के बारे में. तो आप कुछ बता सकती हैं कि आत्म प्रेम के बारे में लोगों की क्या अलग अलग धारणाएं हैं, क्या अलग अलग सोच है इसके बारे में? एक तो जैसे शुरू में हमने बीच में डिस्कस किया है कि एक तो एक्सट्रीम होते हैं, दे आर फुल्ली एक्सट्रीम, बस मैं और मैं. सेल्फ लव मींस मैं, बट एक्चुअली वो सेल्फ लव नहीं है. वो कोई एक अंदर छेद है, कोई होल है, और उसको आप कुछ ये चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हो. जैसे आपने सेल्फ क्या है वो समझा ही नहीं है. अगर जो लोग सेल्फिशली अपने आप को बस और वो बाहरी चीजों से ही अपने आप को भर रहे हैं, ठीक है, वी ऑल लाइक थिंग्स एंड वी ऑल लाइक टू हैव सर्टेन थिंग्स, बट कईयों को लगता है खुशी मतलब ये ही, सेल्फ लव मतलब दीज फाइव स्टार वेकेशंस है, ट्रैवल है, ये फलाना ब्रांड का बैग है, और ये ऐसी कार है, और ऐसी चप्पल है, और ऐसा लाइफस्टाइल है, एंड इफ आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ दैट इज सेल्फ लव. नहीं, उसमें आप गाड़ी का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, है ना. और ये सब चीजों से आप अंदर से खुश नहीं रहते हो. अगर आपने सिर्फ ये किया और दूसरी दूसरे आपके स्पिरिचुअल सेल्फ का ध्यान नहीं दिया, तो ये एक आर्टिफिशियल हो जाता है. और ये लोग ऐसे कई बार सेल्फ लव करते हैं बिकॉज दे डोंट फील कंप्लीट इनसाइड, है ना, वो अंदर से फुलफिल्ड और एक कंप्लीट कि भाई मैं पूर्ण हूँ, वो फीलिंग नहीं रहती. तो वो दूसरी दूसरी चीजों से अपनी पूर्णता को फुलफिल ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेकिन हमें ये बाहरी चीजें इतनी नहीं चाहिए होती हैं टू फील पूर्ण. वट एवर वी नीड वी गेट, क्योंकि वी आर कंप्लीट ऑलरेडी, हम कंप्लीट हैं. वो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशः उपनिषद है. तो इसका बेसिक सिंपल अर्थ क्या है, भगवान कंप्लीट है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. भगवान से जो पार्ट निकलता है वो भी कंप्लीट होता है. भगवान भी कंप्लीट होते हैं, पार्ट निकल गया तो भी वो कंप्लीट रहते हैं, और जो पार्ट होता है वो भी फुल्ली कंप्लीट रहता है. तो हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं. तो फॉल्स सेल्फ लव इज व्हेन वी जस्ट कीप फिलिंग आवर लाइव्स विद थिंग्स एंड आर्टिफिशियली. जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री धीरे दुमाना मद अपमान, है ना, जो कुंती देवी कहती है कि अरे मेरे को हाई बर्थ चाहिए, अरे मेरा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, मेरी ब्यूटी, मेरा इंटेलिजेंस, इससे लोग मेरे प्रति आकर्षित होंगे. और फिर ये लोग क्या करते हैं, इन्हें बाहर से बहुत सारा प्रेम चाहिए होता है, चीजों से और बाहर से. उनको लगता है अरे अब तो मैं पूरी परफेक्ट हूं, फिर भी लोग मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं. प्रेम आप खुद से कीजिए. जब हम ये समझ जाते कि आई एम कंप्लीट, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, फिर वी डोंट नीड सो मेनी थिंग्स, वी डोंट नीड द आउटसाइड लव. तो एक गलती ये हो जाती है. दूसरी गलती जो भक्ति मार्ग में है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज सीखते हैं, कई बार उनका एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं कि बस मुझे, जैसे हमने शुरू में ही बात करी, सिर्फ भगवान की सेवा में रहना है, मुझे ये सब माया है. अरे आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, अरे भाई ये तो बहुत माया है. अरे आज मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है, नहीं नहीं दिस इज ऑल टोटल माया, मेरे बहुत सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल है. अरे आज मुझे ये कपड़े खरीदने का मन हो रहा है, अरे माई सेंसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल. तो लोग ऐसे अपने आप को दबाते हैं, अलग एक्सट्रीम में जाते हैं. एक तो है कि भाई सब चीजों से ही खुशी पा रहे, एक है कि अपनी सारी इच्छाएं दबा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है आई शुड जस्ट सर्व कृष्णा. सो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी, बिकॉज फिर उससे एक हार्ड हार्टेडनेस आ जाती है और फिर बीमारियां, मेरा एग्जाम्पल दे ही चुकी हूँ, बहुत कुछ हो जाता है. सो और द लॉस इज ऑल्सो कि अरे आई एम डूइंग सो मच ऑस्टेरिटी, तो एक ह्यूमिलिटी भी चली जाती है बिकॉज वो एक टोटल मटेरियल ईगो लेवल पे भक्ति होने लगती है. So healthy self-love is to take care of ourselves and whatever we need, but with a very spiritual focus. कि हाँ मुझे ये गोल में आगे बढ़ना है,
मुझे मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरे इमोशंस का, मेरी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये शरीर और ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर बहुत जरूरी है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो यदि कोई ऐसा कदम लेना चाहता है, वो कहते हैं कि हाँ मुझे सेल्फ लव करना, आत्म प्रेम करना है, तो उनके लिए शुरुआती कदम क्या होने चाहिए, बिगनिंग स्टेप्स क्या होने चाहिए? बिगनिंग स्टेप सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि भी मतलब कि खुद की गलतियों से अपने आप पे घृणा ना करें। कई बार हमको हमारी गलतियों से फिर खुद पे घृणा होने लगती है, खुद की नजरों में नीचे गिर जाते हैं। वो पहले तो हमें बस वो एक चीज को चेंज करना है, घृणा ना करके, गुस्सा ना होके, इरिटेट ना होके ये समझना कि हाँ मुझसे गलती हुई, काफी बड़ी गलती हो गई, ठीक है, मुझे अभी भी अपने आप से एक प्रेम है और जैसे कोई एक लविंग फ्रेंड है वैसे ही मैं अपने आप के साथ रहूंगी और इस गलती को सुधारूंगी और आगे ऐसा ना हो वो देखूंगी। तो सबसे बिगिनिंग स्टेप मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि हमने इतनी बातें सुनी है ना स्कूल में, घर में, बड़े होते हुए कि भाई गलती करते जैसे गलती इज गलती, गलती मतलब ये नहीं कि मैं खराब हूं, मुझसे गलती हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। लेकिन हमने बचपन से यही सुना, अरे तुम बेकार हो, तुमने ऐसा किया, तुम कैसे हो, तुम एकदम यू आर यूजलेस, यू आर दिस, यू आर नालायक। फिर वो स्कूल में भी ये ऐसे करके, और कोई फिर हमारा क्या होता है, हम अंदर की जो हमारी आवाज होती है ना उससे भी हम अपने आप को पूरे टाइम क्रिटिसाइज करते रहते, क्योंकि हमने वही सुना है, तो हमारी अंदर की जो आवाज है वो भी वही बन जाती है। तो वो अंदर की जो आवाज है जो जूते मारती है, कोसती है जब हम गलती करते हैं, उसे एक लविंग फ्रेंड बनाना है। तो अगर हम यही फर्स्ट स्टेप ले लेंगे तो उससे ही हम बहुत बहुत कंफर्टेबल भी फील करेंगे और एक्चुअली अपनी गलतियां सुधार भी पाएंगे। बहुत सुंदर। तो आगे आपने हमारे आखिरी प्रश्न के साथ भरने के साथ मैं सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगी, कृपा करके अपने प्रश्नों को पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपके लिए है। आप जो अपने आप से प्रेम ना करते हो या करते हो, या उसमें जो धारणाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, आप उन सभी के बारे में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक है कृपा करके जल्दी से अपने प्रश्नों को पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, हम जल्दी प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं। तो नमिता जी, यदि कोई व्यक्ति सेल्फ लव, आत्म प्रेम को अपना रूटीन बनाना चाहता है तो उसे क्या कदम लेने चाहिए? वो कहता है कि ठीक है मुझे अच्छा लगा, मैं पहला कदम तो ले ही रहा हूं कि जो भी अपने आप को मैं कोसता था उसको मैं नहीं करूंगा और मैं आगे बढ़ रहा हूं। बट यदि उसको एवरीडे लाइफ में, रोज की जिंदगी में लागू करना हो तो ये कैसे करेंगे हम? एक तो स्पिरिचुअल साधना, जो भक्ति की जो साधना है, भगवान का नाम लेना, एक तो उसे हमें ध्यान से करना है। एक स्पिरिचुअल फोकस, स्पिरिचुअल नॉलेज और हमारी जो साधना है उसे हमें बहुत अच्छे से करना है। सेकंड स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमें अपने आप को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे भगवान हमें ट्रीट करते हैं। हमसे गलती होती है तो भगवान हमें जूते नहीं मारते। हम अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमारे गोल्स में, स्पिरिचुअल गोल्स में, तो भगवान कोई जूते नहीं मारते। भगवान देखते अरे एफर्ट ले रहे हैं, भगवान जैसे हमें चाहते हैं, जैसे प्रेम करते हैं। भगवान का कोई कंडीशन नहीं है कि अरे आप परफेक्ट होंगे तभी आई विल लव यू, अरे आप ऐसे ऐसे होंगे ओनली देन आई विल लव यू। ये तो हम भौतिक संसार में ऐसा प्रेम पाते हैं, मतलब जो माँ का प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है, जो पेरेंट्स का होता है, लेकिन बाकी सब काफी कंडीशनल रहता है। ओनली इफ यू आर परफेक्ट आई विल लव यू। तो फर्स्ट स्टेप इज डू साधना प्रॉपरली, सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा सीज यू। तो उसके लिए कृष्णा भगवान के भक्तों के साथ पास टाइम पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे महाभारत में उन्होंने पांडवों को कैसे प्रेम किया, कैसे स्वीकारा, कैसे साथ दिया, या जो कृष्ण बुक है या जो भागवत का 10वां स्कंद है, उसमें कृष्णा भगवान कैसे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, कैसे इंद्र भगवान गलतियां कर देते हैं लेकिन कैसे फिर भी कृष्ण भगवान उन्हें कैसे अच्छे से ही टीचेस अ लेसन आल्सो बट ही स्टिल लव्स हिम,
है ना। तो ये हमें क्या, जब लीला पढ़ते हैं भगवान की, एक तो हमने नाम ले लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, नाम रूप है ना, भगवान के दर्शन करना, उनके गुण और लीला ये सब पढ़ के या सुन के, तो उससे हमें भगवान का प्रेम हमारे प्रति समझ में आता है। तो जब हम ये फील करते हैं कि अरे कृष्णा लव्स मी अनकंडीशनली, भगवान हमें हमसे बिना कोई कारण बेकारण प्रेम करते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो व्हेन वी फील लव्ड लाइक दैट, देन वी आर एबल टू लव आवरसेल्व्स एंड लव अदर्स। तो दैट इज स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री, एंड वेदर यू डू फर्स्ट सेकेंड हाउ एवर यू डू, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने नेचर को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को अच्छे से समझिए, और आप उनका ध्यान कैसे रखेंगे वो देखिए, राइट। ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका ध्यान रखना। हाँ, जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान देते हैं, लेकिन वंस यू आर 18 यू आर एन अडल्ट, एंड टू अपने इमोशंस का, अपनी जरूरतों का ध्यान रखना, अपने आप को ऑनर और रिस्पेक्टफुली डील करना, अपने आप का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुशी की, आप इमोशनली डिस्टर्ब है तो उनसे उससे भी बाहर निकलना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसके लिए पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब हम खुद को समझेंगे तभी तो हम ध्यान दे पाएंगे कि भाई ध्यान रखना कैसे है, किसका ध्यान रखना है भाई, किसकी क्या जरूरतें हैं, इनको कैसे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, वो ध्यान रखना है। और वो ऐसे ध्यान रखना है दूसरों का ध्यान देते हुए, दोनों बातें हो सकती हैं, वी कैन टेक केयर ऑफ अदर्स एंड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। ओके, तो ये थ्री पॉइंट्स, स्पिरिचुअल साधना, रीड अबाउट कृष्णा हाउ ही लव्स यू, एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कंक्लूड किया है कि हम इसको कैसे रोज की जिंदगी में हम इसको अपना एक हिस्सा बना सके, और बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए आपने कि कैसे हम आत्म प्रेम को अपनी निजी जिंदगी में एक रूटीन बनाते हुए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नमिता जी। तो यदि आपका परमिशन हो, हम सभी दर्शकों के प्रश्न की तरफ अभी बढ़े, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे दर्शक आपको अनेकों प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होंगे। शुरू करें। Yes. चलिए, तो अब समय है आप सभी के प्रश्नों का, और आप सभी को अभी मौका दिया जा रहा है इन प्रश्नों के उत्तर नमिता जी से प्राप्त करने का। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सबसे पहले दर्शक के प्रश्न के लिए, और हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं विजेंद्र पांचाल। वे कह रहे हैं, सेल्फ लविंग इज ऑल्सो कीपिंग ऑल सराउंडेड पीपल हैप्पी, बट समटाइम्स ईगो कम्स बिटवीन इट टू कीप एवरीवन to keep happy everyone, how to tackle those situations। तो कई सारे हिंदी भाषी दर्शक भी हैं, उनके लिए हम हिंदी में एक बार प्रश्न को रिपीट करना चाहेंगे कि आत्म प्रेम जो है का अर्थ, आत्म प्रेम का अर्थ ही होता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको हम प्रसन्न रखें, परंतु इसके साथ में जो अहंकार होता है, ईगो जिसे कहा जाता है, वो बीच में आ जाता है जब हम दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी स्थितियां जब आती है उनको हम कैसे संभालें? जी नमिता जी। या ये काफी कंफ्यूजिंग होता है जब हम लोगों के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, कि भाई हम खुद को भी खुश कैसे करें, दूसरे को भी खुद कैसे करें, और ये सब इंस्टेंटेनियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और यू हैव टू बी थिंकिंग ऑन योर फीट, और कई बार मैं भी फेल हो जाती हूँ, बट देन फिर मैं आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई गेट बेटर नेक्स्ट टाइम। तो आपने अच्छा, बहुत हम ह्यूमिलिटी, विनम्रता से ये सवाल पूछा है कि हाँ हमको दूसरों का भी ध्यान रखना है, लेकिन कई बार खुद का ईगो मन में आ जाता है। तो अभी जो हो गई गलती है, आपने सपोज उस सिचुएशन में आपका ईगो आ गया और आपने दूसरों का ध्यान नहीं रखा, आपने सिर्फ खुद का ध्यान रखा, बाद में आपको गिल्टी फील हो रहा है कि यार मुझे थोड़ा ठीक से करना चाहिए था, ये थोड़ी गलती हो गई। तो इसके लिए आत्म मंथन करना भी जरूरी होता है, इंट्रोस्पेक्शन। तो ये मतलब जैसे मैं देखती हूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई एंड आई एम नॉट टेकिंग टाइम टू अनवाइंड एंड थिंक अबाउट कि मेरा दिन कैसा गया, मैंने कहाँ कैसे क्या किया, मुझे प्रोसेस नहीं किया ना, तो फिर मुझसे गलतियां ज्यादा होने लगती हैं, है ना। तो ये समय निकाल के आत्म मंथन करना कि अच्छा ये इंसिडेंट में ऐसा ऐसा हुआ था,
मैं मेरी जरूरतें पूरी करना चाह रहा था लेकिन इनकी जरूरतें ये थी, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम हाउ कुड आई हैंडल दिस सिचुएशन बेटर। तो हम ये जितना आत्ममंथन प्रोसेस करेंगे उतना हम नेक्स्ट सिचुएशन में थोड़ा बेटर हो पाएंगे, है ना, कि हम ज्यादा अच्छे से समझदारी से काम कर पाएंगे। तो गिव योर, बी पेशेंट, बी लविंग, और करते रहिए, गलतियां भी होंगी, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप विजेंद्र जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू नमिता जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमें पूछ रहे हैं विग्नेश वेलुस्कर जी। वो कह रहे हैं सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाए, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर होता है। जी नमिता जी, वेरी नाइस क्वेश्चंस। तो सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएं, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर होता है। तो पहले हम सेल्फ एस्टीम के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ हेल्दी सेल्फ एस्टीम। हेल्दी सेल्फ एस्टीम, एस्टीम आता है शब्द एस्टिमेशन शब्द से, मतलब ये दोनों शब्द कनेक्टेड हैं। तो हेल्दी सेल्फ एस्टीम इज लाइक ह्यूमिलिटी, इज टू हैव द राइट एस्टिमेशन ऑफ योर सेल्फ, कि आई हैव दीज गुड थिंग्स, आई हैव दीज नॉट सो गुड थिंग्स, दिस इज मी, ये मेरा पैकेज है ना। तो ये हेल्दी सेल्फ एस्टीम में खुद की क्वालिटीज, अगर सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है तो आपको खुद के गुणों को भी समझना पड़ेगा कि मुझ में ये गुण है, और ये गुण किसके हैं, ये गुण आपके नहीं है। एक गुण कहाँ से मिले हैं, अहम पौरुषम विशु, आई एम दी एबिलिटी इन मैन। तो कृष्णा 7 चैप्टर में कहते हैं कृष्णा हैज गिवन दीज गिफ्ट्स टू यू। तो हमें बड़े ओपन हार्ट से अक्नॉलेज करना चाहिए कि मेरे में ये अच्छाइयां है, दीज आर द गिफ्ट्स कमिंग टू मी फ्रॉम कृष्णा। तो फिर क्या है, ईगो नहीं होता है उसमें, फिर ईगो नहीं आता उसमें, क्योंकि आपको समझ में आया भगवान ने गिफ्ट दिया है मुझे, इसको अब अपने जीवन में प्रॉपरली भगवान की सेवा में एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना। तो ऐसे करके आप सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं, टू नो योर गुड क्वालिटीज एंड नो दे आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा एंड एक्सेप्ट देम। सेल्फ हेल्दी सेल्फ एस्टीम में जो हमारे फॉल्ट्स हैं, अवगुण हैं, उनसे कैसे डील करना, ये काफी सारे हम बातें कर चुके हैं ऑलरेडी मैं और फर्स्ट 45 मिनट्स में। तो विग्नेश जी आप वो सीखे कि जो गलतियों के साथ आपका रिलेशन है, जो चीजें आप में ठीक नहीं है, उसको बस ये समझे ठीक है ये प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे आई वर्क ऑन इट, आई मेक अ प्लान और मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे आप सेल्फ एस्टीम अपनी बढ़ा सकते हैं। अभी आपका ये क्वेश्चन था ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर है, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है। आई विल ट्राई टू आंसर इट, आई मे नॉट हैव द कंप्लीट आंसर, पर जितनी मेरी समझ है मैं उस बेसिस पे ही आंसर करने की चेष्टा करूंगी। तो ईगो इज ऑल्सो ऑफ टू फॉर्म्स, वन इज अ रियल ईगो। रियल ईगो क्या है, टू कनेक्ट विथ योर रियल आइडेंटिटी। रियल आइडेंटिटी क्या है, आई एम कृष्णास पार्ट एंड पार्सल, आई एम हिज इटर्नल सर्वेंट, दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। अब ये फॉल्स ईगो क्या हो गया, ये जो कंडीशनिंग में मैं नमिता पुरोहित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ग्रेट, लेट मी शो माय पावर, लेट मी शो हाउ इंटेलिजेंट आई एम, लेट मी मेक एवरीवन एल्स फील दिस वे दैट वे, ये सब मेरे फॉल्स कंसेप्शन ऑफ ईगो है। तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है या क्या कनेक्शन है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉल्स ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जैसे कोई सिचुएशन में अभी आप पढ़ गए हैं और आपको ये देखना है कि एम आई एक्टिंग आउट ऑफ फॉल्स ईगो और एम आई ट्रूली एक्टिंग आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। सो इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर समबडी इज मिसबिहेविंग विद यू, टॉकिंग बैडली टू यू, और एक बार नहीं हर बार 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 वो हो रहा है, राइट, तो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान कैसे डील करेगा। सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान भी वो बराबर बाउंड्री सेट करेगा, सीमा सेट करेगा, डिसएंगेज करेगा उस इंसान से, उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो समझ के परे है तो वो अपने अपने सेल्फ को बचाकर साइड में रहेगा। क्यों, बिकॉज सेल्फ, आत्मा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सेल्फ एंड जो भी हमारी सोशल स्टैंडिंग, ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज दैट कीप्स बॉडी एंड सोल टुगेदर, हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, हमारे गोल्स को अचीव करना है। उस सिचुएशन में दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, वी डोंट बी इन दैट सिचुएशन वेयर समबडी इज मिसबिहेविंग विद अस। नाउ वी कैन एक्ट आउट ऑफ फॉल्स ईगो आल्सो, वेयर वी कैन बी लाइक हाउ डेयर यू स्पीक विद मी लाइक दैट, एंड आई यू नो वी मेक दैट मिस्टेक आल्सो, राइट। तुम होते कौन हो, मेरे को समझे हो क्या, मैं ये हूँ, आई एम सो ग्रेट, हु आर यू, तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो, सो वी कैन गो डाउन दैट ट्रैक, दैट इज एक्टिंग आउट ऑफ फॉल्स ईगो वर्सेस जस्ट कमिंग आउट, डिसएंगेजिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज
arguing and all of that is not going to help you. Just take care of your self-respect and move out. That is, then you're taking care of the real ego. This is my understanding. I hope that was helpful. I'm sure it will be helpful, Namita ji. Thank you, Vignesh ji, itna achha prashna karne ke liye. Chaliye badhte hain agle prashn ki taraf. Aur agla prashna mein pooch rahe hain Vihang Kathe ji, jo keh rahe hain Hare Krishna, Namita ji. How can we have perfect balance between material and spiritual self-love? How can we guide? Please guide us. तो हम कैसे एक बैलेंस एक इक्वालिटी लेके आ सकते हैं, समानता लेके आ सकते हैं भौतिक आत्म प्रेम में और आध्यात्मिक आत्म प्रेम में? प्लीज हमें बताइए कैसे किया जा सकता है. अब ये परफेक्ट बैलेंस, ये मुझे मुझे ना ये परफेक्शन शब्द से ही मुझे बड़ा प्रेशर फील हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट, यू नो, इट्स हार्ड, बीइंग परफेक्ट इज हार्ड, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग. तो पहले ये समझ ले कि स्ट्रगल है और एकदम परफेक्ट बैलेंस होना मतलब मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है. यह संसार ये ऐसा ही बना हुआ है. अभी ये कैसे लाएं? तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ है? इफ आर कॉन्शियसनेस इज मोर टुवर्ड्स मैटर, तो हम ज्यादा मटेरियल मतलब यू नो कंडीशन सेल्फ का ही ज्यादा ध्यान देंगे, वो भी एक बड़े इगोइस्टिक वे में. तो ये बैलेंस कैसे बढ़ेगा? जैसे पहले तो खुद की ऑनर और रिस्पेक्ट कीजिए, जो टिप्स शेयर की गई हैं, अपना ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का, अपने इमोशंस का, अपनी भावनाओं का, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी नीड्स का, क्या कार्य करना है, कौन से काम में आगे बढ़ना है, अपने गोल्स का, अपनी इच्छाओं का, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट? डोंट थिंक कि अरे ये गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है. और साथ साथ में आप अपनी स्पिरिचुअलिटी का जो मीटर है उसे भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए. तो जैसे जैसे आप अपनी साधना अच्छे से करेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में ज्यादा समझेंगे, तो आपको फिर धीरे धीरे और क्लैरिटी आती जाएगी कि हाउ टू कीप द बैलेंस इन बोथ. सो बिकॉज एवरीवन्स फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, हर एक के लिए व्हाट परफेक्ट लुक्स लाइक, आपके लिए जो परफेक्ट है वो दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज सबकी कॉन्शियसनेस, सबका लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अलग होता है. तो अपने आप को समझते हुए आगे बढ़िए. तो जो भी अभी आपको जैसे समझ में आता है अपना ध्यान रखना, आप वैसे रखिए और धीरे, डोंट थिंक अबाउट परफेक्शन, डू व्हाट यू अंडरस्टैंड नाउ, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम, धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअलिटी का क्वोशेंट बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू नमिता जी. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. दीप्ति शर्मा जी कह रही है, इफ आई एम हैप्पी बट अदर्स आर नॉट हैप्पी with me and I am on spiritual journey, so it is my responsibility to keep others happy. तो अगर मैं प्रसन्न हूँ परंतु दूसरे व्यक्ति मुझसे प्रसन्न नहीं है और मैं आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर हूँ, आध्यात्मिक यात्रा पे हूँ, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को भी खुश रखूँ? There are a lot of like many बहुत detailed answer हो सकता है इसका. मैं short में दीप्ति जी आपको कुछ बातें कहना चाहूंगी. मुझे जो समझ में आया है आपका ये सवाल है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें मैं खुश हूँ लेकिन दूसरे लोग इतने खुश नहीं है, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है उनको खुश रखना भी? शायद इनका यही मतलब हुआ ना सवाल का, मानसी जी. जी आप कह सकते हैं समथिंग लाइक दैट. तो इसमें मेरा ये समझना है कि आप उस चीज को आप कैसे कर रहे हैं. अब कई लोग अपनी भक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं बट दे इंसल्ट एवरीवन अराउंड, अरे आई एम स्पिरिचुअल, यू आर नॉट, यू नो, मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ, तुम लोग बेवकूफ हो, बेकार हो. तो देन यू नो दैट एटीट्यूड विल नॉट कीप एनीबडी हैप्पी एंड हमारी भी स्पिरिचुअलिटी अच्छे से नहीं हो रही है. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हाँ मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी, तो मैं ये बिल्कुल कोई कोई चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं ये भी नहीं करूंगी, मैं वो भी नहीं करूंगी, मैं फैमिली इवेंट्स में नहीं जाऊंगी, ये शादी वादी वेस्ट है, ये फैमिली गेट टुगेदर्स इज ऑल माया, सब प्रजल्पा होता है, वहां पे फालतू की गॉसिप, फालतू की बातें होती है, ये होता है, वो होता है. तो क्या आपके साथ में जो लोग हैं उनको ये लगने लगता है भाई इनको क्या हो गया, ये स्पिरिचुअलिटी में आगे चले गए, हमारे रिश्ते ही सारे खराब हो गए, इनको हमसे मतलब ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, इन्हें कुछ नहीं करना है, मुझे कहते हैं हम माया में हैं, कहते हैं रिश्ते माया है, बातचीत ही नहीं करनी है, रिलेशन ही नहीं रखना है. तो अगर हम मैच्योर वे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये कुछ हमें ये रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वन थिंग, है ना.
तो हाउ यू गो फर्दर इन योर स्पिरिचुअलिटी, सो एज वी ग्रो फर्दर इन योर स्पिरिचुअलिटी, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, आप शायद मंदिर जा रहे हो, आप माला कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो दूसरे लोगों को क्यों अनहैप्पीनेस होती है? बिकॉज जो आप उनके साथ काम करते थे या जो टाइम स्पेंड करते थे वो कम होने लगा है, तो उनको लगता है सारा कारण स्पिरिचुअलिटी है, आप दूर जा रहे हो परिवार से. तो वी हैव टू बैलेंस कि ये रिलेशन जो हमारे हैं, ये मैं हर शो में कहती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स हैं, ये कृष्ण भगवान के साथ, गुरु के साथ हम एक वर्टिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन वर्टिकल रिलेशनशिप डेफिनेटली चाहिए, लेकिन हमें ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स में भी एक बैलेंस रखना है, मेच्योरिटी के साथ हमारी ड्यूटीज करनी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है. एंड वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कीपिंग पीपल हैप्पी ग्रेजुअली. एंड परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, कभी आप खुश होंगे, कभी वो लोग खुश होंगे, बट ओवरऑल मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस क्या है, कि बस मुझे स्पिरिचुअलिटी करनी है, दूसरों को खुश नहीं रखना है, या मुझे स्पिरिचुअलिटी भी करनी है, दूसरों को भी खुश करना है, मैंने ये डिफाइन किया, मेरी ये ड्यूटीज हैं, मेरे जो भी है, एंड आई एम डूइंग दैट. अब उसके बाद में भी अगर दे आर डिस्टर्ब, देन जस्ट गिव देम सम टाइम, यू नो, बट स्पेंड टाइम विद देम एज यू गिव देम टाइम, बट रिलेशन नहीं ब्रेक करना है, रिलेशन हमारे और स्वीट होने चाहिए और डीप में जाना चाहिए. ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया नमिता जी, बहुत बड़ा फैक्ट है और हमें इस पे बहुत ही वर्क करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट सॉरी प्रश्न के साथ। मीनल जी पूछ रही है, हाय, पीपल अराउंड मी जस्ट ब्लेम मी फॉर माय ऑल माय प्रॉब्लम्स, दे डू नॉट एक्सेप्ट, दे आल्सो हैव प्रॉब्लम, जस्ट डू नॉट नो व्हाई माय कर्मा इज सो बैड। मेरे आसपास के लोग जो है मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि तू ही सारी तकलीफों का जड़ है। वो नहीं मानना चाहते कि उनके जीवन में भी कोई तकलीफें हैं। मैं जानती नहीं हूं कि मेरे कर्म इतने बुरे क्यों है। ये मीनल जी का प्रश्न है। सी, नेचुरल टेंडेंसी जो लोगों की होती है, बिकॉज दे डोंट लव देमसेल्व्स, तो वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि उनमें कोई गलती है, क्योंकि अगर उनसे खुद से प्रेम होता प्रॉपरली, तो उन्हें अपनी गलतियों के बावजूद भी खुद से प्रेम होता. तो क्योंकि खुद से प्रेम नहीं है, वो सिर्फ खुद से तभी प्रेम कर सकते हैं व्हेन दे आर परफेक्ट, तो इसलिए दे डोंट एक्सेप्ट दे हैव एनी फॉल्ट, बिकॉज दे हेट देमसेल्व्स व्हेन दे हैव फॉल्ट, एंड दे हेट अदर्स आल्सो व्हेन दे हैव फॉल्ट्स, है ना? तो एक तो पहले हमें ये समझना है, दूसरा है कि दे ब्लेम यू फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, दे डोंट एक्सेप्ट दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम, सो कर्मा इज बैड. नाउ द थिंग इज, वॉट एवर इट इज, दिस इज द लाइफ, दिस इज योर लाइफ, पीपल आर ब्लेमिंग यू, योर कर्मा इज बैड एंड यू हैव प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज, ये आपकी लाइफ है. अभी इसमें आप आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरों के बारे में चाहे वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें, आप सेल्फ लव, आत्म प्रेम करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, अपने गोल्स बनाते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे? वी शुड रिमेन फोकस्ड ऑन दैट. माई एक्सपीरियंस इन लाइफ इज कन्विंसिंग अदर्स डज नॉट वर्क. कोई कन्विंस नहीं होता है कि हाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू हियर दे आर मेकिंग मिस्टेक्स. तो या तो मैं उसमें टाइम वेस्ट करूं उनको समझाने में, क्योंकि अगर किसी को समझना होता वो एक दो बार में समझ जाते हैं, अब वो नहीं समझ रहे और मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं कई बार 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 वो आर्ग्यूमेंट्स में पहुंच जाती हूँ, आई ट्राई टू कन्विंस देम सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट दे डोंट. सो वट इज माई लेसन एवरी टाइम आई मेक दैट मिस्टेक? अरे भाई, इतनी बार समझाया, लोगों को नहीं समझ में आता है, इससे अच्छा अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करते हुए, खुद से प्रेम करते हुए, इसे इंग्लिश में लोग सेल्फ पार्टनरिंग भी कहते हैं, खुद को अपना पार्टनर बनाते हुए आगे बढ़िए. बी हैप्पी, वट एवर योर लाइफ इज, वो चेंज नहीं होगी, वो लोग चेंज नहीं होंगे, आप अपने आप को कैसे आत्म प्रेम करते हुए, अपने इमोशंस का ध्यान रखते हुए आप कैसे आगे बढ़ेंगे? बिकॉज समटाइम्स इट इज नाइस टू बी ब्लेम फॉर ऑल आर प्रॉब्लम्स. जैसे मैंने कहा ना, मेरे सीनियर, मेरे शिक्षा गुरु ने कहा, यू हैव अब्यूज्ड योरसेल्फ. एक्चुअली जब मुझे वो कहा गया, मैं बहुत लिबरेटेड फील किया मैंने, मतलब अगर मैंने ही खुद का सत्यानाश किया है तो मतलब मैं इसको ठीक भी कर सकती हूँ, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है ना खुद को ठीक करना. अगर मेरी पूरी डिपेंडेंसी है कि मेरा सत्यानाश इन्होंने किया है, तो जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, देन इट्स लाइक आई एम डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन. लेकिन जब भाई मैंने ही खुद का सत्यानाश किया है, तो मुझे कैसे इम्प्रूव होना है? मेरे हाथ में, एक्चुअली देयर इज फ्रीडम टू नो, सब मेरे हाथ में है, तो ये सोच के आगे बढ़िए.
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं संगीता शिंदे जी, वे कह रही है हाउ टू टीच चिल्ड्रन अबाउट दिस नॉलेज सो दैट दे नो हाउ टू डील विद बुलीज व्हिच दे फेस फ्रॉम फ्रेंड्स, हाउ टू बी बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस व्हेन दे गेट हर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। तो संगीता जी का प्रश्न है कि कैसे हम बच्चों को ये ज्ञान दे ताकि वो पता करे जान सके कि यदि उनके मित्र उनको परेशान कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, तो वो उसको दृढ़ता पूर्वक फेस करे, उनसे उस तकलीफ से निकल पाए, ताकि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके और वो अपने मित्रों से दुखी ना हो, परेशान ना हो। और हम देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं, आसपास में कुछ भी हो रहा है, आप दो जन हैं, दो बिल्कुल सेम व्यक्ति है, अगर एक भी व्यक्ति के पास एक कार आ गई जो आपके पास नहीं है, पर उस बच्चे के पास में मतलब वो बच्चे के पास बहुत सारी कारें हैं, पर दूसरे के पास जो कार है वो आपके पास नहीं, वो बच्चा का मन ऐसा होता है जो तुरंत प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न संगीता जी ने कहा है कि बच्चों के अंदर आप जो नॉलेज दे रहे अबाउट सेल्फ लव, हम उनको कैसे सिखाएं। नमिता जी, बहुत सारे पॉइंट्स माइंड में एक्सप्लोर हो रहे हैं, होपफुली आई विल बी एबल टू रिमेंबर देम व्हेन मैं बोल पाऊं। संगीता जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग इज बच्चे अपने आप से डील करना, जो सेल्फ टॉक उनके माइंड में होता है वो ही होता है जैसे पेरेंट्स उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो अगर इफ पेरेंट्स फर्स्ट लर्न दिस नॉलेज एंड स्टार्ट अप्लाइंग इन देयर ओन लाइफ, जैसे पहले उन पेरेंट्स लर्न हाउ टू लव देमसेल्व्स, टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ऑनर देमसेल्व्स, रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, एंड पेरेंट्स ऑल्सो बच्चों के साथ में वैसे डील करें कि उनको जो फील हो रहा है, मतलब पेरेंट्स का काम है बच्चों को टास्क पे रखना, पढ़ाना लिखाना, डिसिप्लिन में रखना, तो वो सब तो हमें करना है, लेकिन वो सब साथ में करते करते हाउ कैन वी ऑनर आवर चिल्ड्रन एज प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स। बच्चे हैं ठीक है, लेकिन कई बार हम नकार देते हैं कैसे भी उनको ट्रीट करते हैं। तो जब घर में उनको वैसे ट्रीट किया जाता है एंड दे आर सपोज टू जस्ट टेक दैट बिहेवियर, कि उनको अगर घर में ही काफी ऐसे बुली किया जा रहा है या कहा जा रहा है तू बेकार है, चुप रह, तुझे बोलने की क्या जरूरत है, और जब अगर बच्चा कुछ अपनी फीलिंग आपके सामने पेश कर रहा है और आप बोलते हैं ये सब बेकार, दिस इज ऑफ नो वैल्यू, यू नो तुमने ही गलती करी है, सारी गलती तुमने, हम जब ये ईगो में एक्ट करते हैं ना, तो बच्चा वो ही सीखता है कि ठीक है माई फीलिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट आई फील इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और लोग मुझे कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, तो फिर वो स्कूल में जाके दे गेट बुलीड एंड दे कम बैक होम, और दे गो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज बुलिंग मी, बिकॉज उनको लगता है कोई भी मुझे कैसे भी ट्रीट कर सकता है, है ना। तो पहले हमको घर में एक प्रॉपर पेरेंट्स पहले खुद को इस वे में डील करना सीखे विद प्रॉपर सेल्फ टॉक, प्रॉपर सेल्फ लव, एंड हाउ दे डील विद देयर चिल्ड्रन। नाउ पेरेंट्स में बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। जब बच्चा बुली हो, एक तो क्या होता है कि बुली को स्पॉट करना सिखाइए कि बुली कैसे, बुलीज कौन है एंड हाउ टू नॉट गेट इन्वॉल्व विद बुलीज, है ना। वी हैव टू गिव देम दैट एजुकेशन ऑल्सो, बट दे कैन डू, दे कैन स्पॉट अ बुली व्हेन दे हैव सेल्फ लव। ये बुलीज यूजली क्या करते हैं, ये आपको कोई पहले फ्रेंडशिप बनाएंगे, आपको कोई चीज देने की कोशिश करेंगे, या आपकी कोई हीन भावना है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे सो दैट यू फील ओ हो ये तो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। जैसे ही आप उसके चक्कर में आ गए बाद में वो आपको बुली करेंगे, है ना। तो पहले ये बच्चों में से हीन भावना निकालना एंड दे शुड फील कंप्लीटली सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद देमसेल्व्स, है ना। हाउ वी हैव टू टीच देम दैट। तो जब वो खुद सेटिस्फाइड रहते हैं वो बुली के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। अब ये सब भी कर दिया उसके बाद में भी वो बच्चा बुली होके घर आया है, तो जब बच्चा बुली होके घर आया है यूजली माँ बाप को लगता है अरे मेरा बच्चा बुली होके कैसे आया, इसको लड़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या माँ भी सोचती माँ बुली बहुत बेकार है, ये है वो है। पहले हमें ये जो सुनीति और ध्रुव महाराज का है एपिसोड, उससे हमें सीखना है। ध्रुव महाराज अपनी स्टेप मदर से बुली होके आए, है ना, उनकी स्टेप मदर ने उनको अपने फादर के गोद में नहीं बैठने दिया, बुली होके आ गए, बड़ा गुस्सा आ गया, अपनी माँ के पास आए, तो माँ ने नहीं कहा अरे हाँ तेरे तू मतलब ये कैसे तू बुली होके आ गया, तेरे को मैंने इतनी बार सिखाया है, ये है वो है, और चल मैं लड़के आती हूँ तेरे लिए, ये यू नो मैं कंप्लेन करती हूँ वगैरह वगैरह। हर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज नॉट दैट, लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है। पहला है कि वो पैसिफाई कर रही है बच्चों को, आप श्लोक बाय श्लोक पढ़िए भागवत में। पहला है कि वो गोद में बिठा के उस बच्चे की जो सांस ऊपर नीचे हो रही है, उसके जो इमोशंस हो रही है, वो उनको पैसिफाई कर रही है, पहले शरीर को और इमोशंस को।
जब वो पैसिफाई होते हैं तब वो ज्ञान देती है ना। तो जब बच्चा घर पे ऐसे बुली होके आ रहा है तो फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड पैसिफाई, डोंट गेट इनटू, अरे लास्ट टाइम सिखाया ना था तुमको, तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला, तुमको मैंने सिखाया था, ये किया था, वो किया था, ये आपने लॉजिकल कर दिया। सुनीति ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंटेलेक्ट एंड लॉजिक, बट फर्स्ट पैसिफाई इमोशनली। तो जब इमोशनली पैसिफाई करने से क्या होता है, इमोशनली पैसिफाई करने से ये होता है कि बच्चा एक तो शांत हो जाता है, एक तो उसे समझ आता है कि मेरे जब ऐसे इमोशंस होते हैं तो मुझे अपने आप को पैसिफाई करना है। दे लर्न दैट व्हेन वी डोंट टीच देम एज चिल्ड्रन, दे डोंट कंटिन्यू डू दैट इवन एज एडल्ट्स, दे डोंट नो हाउ टू काम देमसेल्व्स डाउन, पैसिफाई देमसेल्व्स, एंड व्हेन दे आर काम एंड इमोशनली पीसफुल देन यू कैन बी हेल्प देम क्रिएटिवली सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर माइंड और इमोशंस पीसफुल नहीं है तो इंटेलिजेंट आइडियाज नहीं आते हाउ टू डील विद द इशू। So all this, when you pacify them emotionally, that gives them confidence. I have people to take care of me. I am not alone. Again, ye bahut sare points hai isme. I hope I was able to give some clarity. First is parents need to model the behavior of self-love. Treat the children with proper honoring of themselves and their desires while remaining disciplined. Help them how to spot bullies and help them how to pacify their emotions. और जब आप उनसे बराबर बात करेंगे घर पे, तब दे विल लर्न हाउ टू ऑनर देमसेल्व्स, सो देन दे विल नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट आउटसाइड। ये सब अंदर की चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं। होपफुली दैट वाज हेल्पफुल। थैंक यू नमिता जी, आई एम श्योर इट वुड बी हेल्पफुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हमारा, और अगला प्रश्न एक ही निराला जी पूछ रहे हैं। इफ अ डिवोटी इज इन्वॉल्वड इन सेल्फ लव, इज दिस नॉट डेडिकेशन ऑफ डिवोटीज लेस टूवर्ड्स कृष्णा? अगर भक्त आत्म प्रेम कर रहे हैं तो क्या ये भक्तों का जो समर्पण है भगवान कृष्ण के प्रति ये कम नहीं हो रहा है? ये हम शायद ये सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन आपने मानसी जी मुझे पूछा था, है ना? जो ये एके निराला जी, ये हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं शो में, तो आप सुनिए। लेकिन ये हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम बात कर चुके हैं, तो प्लीज लिसन टू द आंसर इन दैट। ठीक है, लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संध्या रानी स्वेन जी पूछ रही हैं, आपके हिसाब से कौन सी इच्छा फुलफिल करनी चाहिए? इस्कॉन वीडियो में देखा था मटेरियल लाइफ की इच्छा की फुलफिल ना करने को बोलते हैं, आप बोलते हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इस पे कंफ्यूज हो गई हूँ। थैंक यू संध्या रानी जी। ये जो इच्छाएं हैं, मैंने, अच्छा आपने प्रश्न पूछा तो मैं उसके ऊपर और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने थोड़ा सा ही बताया था जो एक आत्मा की इच्छाएं हैं। अभी मटेरियल इच्छा क्या है और एक डे टू डे जो हमारे कंडीशन सोल की इच्छा है वो क्या है, ये बैलेंस करना जरूरी है। तो अभी ये फिलोसफी कहती है कि माया है, मटेरियल नेचर है, एंड वी शुड नॉट गेट गिव टू मच इम्पोर्टेंस, है ना? तो वो सही बात है, लेकिन हम भक्ति में जैसे आगे बढ़ते हैं ना, विनम्रता का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पहले हम खुद को समझे, हम कहाँ हैं, हमारी इच्छाओं को समझे, और फिर आगे बढ़ने का प्लान बनाए, है ना? यूजली क्या होता है, और हर टाइम मैं यही चीजें रिपीट करती रहती हूँ, बट दे आर वेरी नाइस एग्जाम्पल्स। लोग, यू नो, जब आप गूगल मैप लेते हैं, आपको कहीं जाना होता है, तो आप जब डेस्टिनेशन डालते हैं उसमें, आपको वो ये भी पूछता है आप अभी कहाँ खड़े हो, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो डेस्टिनेशन है कि मटेरियल इच्छाओं को हमें ध्यान नहीं देना है और हमें उस लेवल पे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको ये तो जानना है मैं कहाँ खड़ी हूँ, है ना? मेरी इच्छाएं क्या है location. और कौन सी इच्छा, लोकेशन क्या है, मैं कहाँ हूं अभी, तभी तो वो आपको पाथ मिलेगा। और सबका पाथ, सबका उस जगह सेम डेस्टिनेशन में पहुंचने का रास्ता अलग अलग होने वाला है, बिकॉज सब अलग अलग लोकेशन पे हैं। किसी में बहुत भयंकर इच्छाएं हैं, वो इच्छा पूरी नहीं हो तो वो इंसान पागल हो जाएगी, है ना? किसी में बहुत कम इच्छा, ठीक है ना, चलो हाँ, बहुत छोटा रास्ता है उनका वहां से, है ना? तो पहले आप ये समझिए कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या इच्छाएं हैं, कौन सी इच्छाओं को मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मैं आई कैन गिव अप, कौन सी इच्छाएं मैं बिल्कुल, मैं अगर मैं छोड़ दी तो मेरा जीवन जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो
वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, वो आत्म प्रेम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, विद द गोल कि एंड में ये सब नहीं, मेरी केवल इच्छा होनी चाहिए कि बस मुझे भगवान की सेवा में पूरी तरह लीन होना है, दैट इज द फाइनल गोल। बट इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए पहले ये तो समझिए इच्छाएं क्या है, कौन सी आप गिव अप कर सकते हैं, कौन सी गिव अप करना मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, एक दिन में कोई इच्छाएं जाती नहीं है। और जो लोगों को मैंने देखा है ऐसे दबाते हुए इच्छाएं, या तो उनके प्रॉब्लम्स में, हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती है, या फिर उनका फ्रस्ट्रेशन ऐसे बाहर निकलता है कि वो सब कुछ छोड़ के फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं, दे लीव एवरीथिंग एंड देन दे जस्ट गो कम्प्लीटली बसर्क इन द मटीरियल एनर्जी बिकॉज सो मच फ्रस्ट्रेशन आ जाता है अंदर। तो धीरे धीरे कीजिए, वो आपने जो इस्कॉन के वीडियोस में सुना है वो सही सुना है, कि मटेरियल लाइफ की डिजायर्स आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, बट डू इट स्टेप वाइज, पहले ऑनर योर सेल्फ, डू इट स्टेप वाइज। That was a very nice question and Namita जी आपने बहुत अच्छा जवाब भी दिया। Step by step, slowly and steadily, baby steps, धीरे-धीरे संभल संभल के कदम लेने हैं। एकदम extremes में हम नहीं जा सकते। चलिए लेते हैं हमारा next प्रश्न, और अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अजय। बेचैनी और दर्द क्यों फील होता है जब हम किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ कोई गलत हर बार क्यों गलत होता है हर बार? ऐसा बेचैनी और दर्द क्यों फील होता है जब हमने किसी का बुरा नहीं किया पर हमारे साथ बुरा होता है, हमारे साथ गलत होता है, तो ऐसा क्यों होता है? नेचुरली बेचैनी होता है, वो तो नेचुरल है, क्योंकि हमको सबको प्रेम चाहिए, हमको सबको चाहिए हमारे इच्छा हमारे रिश्ते अच्छे हों, हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा हो, सबका व्यवहार हमारे साथ अच्छा हो। तो बेचैनी और दर्द तो बड़ी नॉर्मल बात है। ध्रुव महाराज की जो मैंने स्टोरी कही, उनको भी बड़ी बेचैनी हो गई थी ना, कोई कह सकता है कि उनको क्यों इच्छा थी? पिछले सवाल का भी ये जवाब हो गया, और ये अजय जी का भी, के सवाल का भी जवाब है कि भाई उनको भी तो कितनी बेचैनी हुई जब उनके पिता ने कुछ नहीं कहा। मेन बेचैनी उनको इसके साथ हुई कि माँ, ये स्टेप मदर ने, सौतेली माँ ने ऐसा उतार दिया मेरे को पिताजी की गोद से, वो तो ठीक है, लेकिन पिताजी ने कुछ क्यों नहीं कहा उस टाइम? ज्यादा तकलीफ उसकी हो गई थी। तो ध्रुव महाराज को भी तो इतनी बेचैनी हो गई थी, है ना? और इच्छाओं की बात जब है, तो ध्रुव महाराज ने जब कहा कि नहीं भाई, मुझे मतलब इतना बड़ा राज्य चाहिए, मेरे ग्रैंडफादर से भी बहुत बड़ा था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए, उतनी बड़ी मुझे, मेरे अंडर कंट्रोल में होना चाहिए, तो वो उनकी इच्छा थी। तो नारद मुनि ने एक बार समझाने की कोशिश की, इच्छा सही नहीं है ना, लेकिन ठीक है, अभी ये इच्छा है तो ये आप कृष्ण भगवान के पास ही, विष्णु जी के पास ही जाइए, वो ही पूरी करेंगे। तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रे न भक्ति योगे ना, आई थिंक इज तीव्र, आई डोंट नो, आई मिसिंग द लास्ट पार्ट, राइट? तो चाहे आपकी इच्छा या नहीं है, जो भी है, आप भगवान की सेवा में लीन रहिए, भगवान के पास जाइए, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, धीरे धीरे यू विल गेट प्योरिफाइड ऑफ योर डिजायर्स ऑल्सो। अभी अजय जी कह रहे हैं कि बेचैनी क्यों फील होती, तो ध्रुव महाराज को बेचैनी फील हुई, विदुर जी को भी तो बेचैनी फील हुई थी जब वो कृष्ण भगवान आए थे, और वो यू नो कि भाई 5 गांव तो दे दो, और राज्यसभा में उनकी बड़ी इंसल्ट की गई थी, दुर्योधन कुछ नहीं सुन रहा था, और विदुर जी ने कहा था कि ये जो कह रहे हैं गलत है, धृतराष्ट्र आपको ये दुर्योधन की नहीं सुननी चाहिए, गलत है। तो दुर्योधन ने कहा था कि पकड़ो इसको, विदुर को, क्योंकि उनके चाचा जी लगते हैं, इतने रिस्पेक्टेड मंत्री हैं हस्तिनापुर के, और वो खुद युवराज बन के बैठे हुए, उनको कोई आदर सत्कार नहीं, पकड़ो इनको, ऐसा पीटो कि इनकी बस केवल सांस ही बच जाए। तो तब विदुर जी को भी तो कितनी पीड़ा हुई थी मन में, बेचैनी हुई थी, और वो फिर अपना सब कुछ छोड़ के, इमेजिन आप इतने बड़े किंगडम के मिनिस्टर हो, उन्होंने वो छोड़ के बस अपने वल्कल वस्त्र पहन के वो अपना निकल गए। तो बेचैनी और इमोशंस अगर आपको फील होते हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, अगर आपको इमोशंस फील नहीं होते तो फिर यू नो लोग कहते हैं इट्स अ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम। तो बेचैनी फील होती है, लेकिन अभी आप इससे निकलेंगे कैसे, क्या करेंगे? तो एक हमें ये समझना है कि कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं है, और वो सब गलतियां करते हैं, हम भी गलतियां करते हैं, है ना? तो हमें ये देखना है कि ठीक है, ये इंसान गलत हमारे साथ कर रहे हैं, तो व्हाट इज आत्म प्रेम इस सिचुएशन में, मैं आत्म प्रेम के साथ कैसे हैंडल कर सकता हूँ? तो आत्म प्रेम क्या है कि अगर आपका बार बार डिसरिस्पेक्ट हो रहा है कहीं पे, तो आप ऐसी जगह पे ना जाइए, तो आपको बेचैनी फील नहीं होगी, आप अपने आप का ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए,
या आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड है, पॉलिटिकली हमारे व्यूज टोटली ऑपोजिट है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन हम दोनों ने ऐसी मेच्योरिटी के साथ में ये तय किया कि हम लोग जिन चीजों में हमारे व्यूज ऑपोजिट है, हम लोग वो चीजों की बात ही नहीं करते। जिन चीजों में हमारी बनती नहीं है तो वो डायरेक्शन में क्यों जाए, हम वही चीजों पे फोकस करते हैं जिनमें हमारी बनती है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड फाइनली जब हमें ऐसे यू नो वी फील इमोशनली डिस्टर्ब एक्सेट्रा उस सिचुएशन में, तो हमें उस जब वो जो इंसिडेंट हो गया उसके बाद हम इमोशनली फील डिफिकल्ट कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे हमारा ध्यान भी देना चाहिए। जैसे सुनीति ने ध्रुव महाराज को सहलाया, जैसे कोई एक अच्छा फ्रेंड दूसरे को अच्छे से प्यार से बात करके उस यू नो इमोशंस से निकालते हैं, वैसे हमें एज अडल्ट खुद को सहलाना सीखना है। इसलिए मैंने बच्चों के क्वेश्चन में भी कहा था कि उस बच्चे को सहलाइए ताकि वो बड़ा होकर अपने आप को सहलाना सीखे, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखे। तो होपफुली दिस इज हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भी चलिए लेते हैं। अगला प्रश्न पूनम जी पूछ रही हैं, हाउ टू इंक्लूड सेल्फ लव, इज दैट ट्रू इफ वी डोंट लव आवर सेल्व्स वी डोंट केयर फॉर अदर्स। एक्चुअली इसका ये प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया है पहले, परंतु फिर भी हम इसको हिंदी में कहते हैं कि आत्म प्रेम को हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। क्या ये सत्य है कि यदि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दूसरों की भी देखभाल नहीं करते हैं, दूसरों के लिए भी हम कंसर्न नहीं है, उनका केयर नहीं करते हैं? ये इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने इवॉल्व हैं स्पिरिचुअली। तो जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, अभी जैसे हम प्रभुपाद को देखते हैं, प्रभुपाद ने पूरे मतलब जगत को अपनी फैमिली बना लिया था, है ना, और आज भी हम प्रभुपाद की फैमिली में हैं, और उनके जाने के बाद भी, प्लैनेट को छोड़ने के बाद में भी, वी आर पार्ट ऑफ प्रभुपाद फैमिली, और हम उनकी शिक्षाओं से कितनी प्रेरणा है, उनकी बुक्स वगैरह सबसे। तो बट अगर आप प्रभुपाद का देखेंगे जो जीवन, तो उसमें यू विल सी कि प्रभुपाद ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ। वो अपना ध्यान पूरे अच्छे से देते थे, अपनी मसाज कराते थे, लाइट टाइम भी रहता था, वॉकिंग टाइम भी रहता था, अपनी साधना भी अच्छे से करते थे। और अब उनको जो खाने पीने में पसंद है, वो अपनी उन इच्छाओं का भी बीच बीच में आप देखेंगे, वो उनको जो ध्यान रखते थे, एंड ही हैज टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी। तो इट इज इंक्लूडेड व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, टेकिंग केयर ऑफ अवरसेल्फ हैज टू बी डन। नहीं तो क्या होता है, हम दूसरों का ध्यान देते 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 हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हमको लगता है हमें यूज किया जा रहा है ना। तो इसलिए खुद का ध्यान देते हुए हमें दूसरों का ध्यान रखना है, नहीं तो मुश्किल है। अगर हम खुद को नहीं समझे, खुद का ध्यान नहीं रखे, हम दूसरों की जरूरतों को, दूसरे का ध्यान नहीं दे पाएंगे अच्छे से, या फिर हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि हम अपनी मर्जी से दूसरों का ध्यान रखते हैं, और फिर जब एक सैचुरेशन लेवल आता है हम दुनिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो समय रहते हुए ही हमें अपना ध्यान रखना है, बिकॉज जब हम, जैसे आपने कहा, स्वयं का जब हम ध्यान रखेंगे तब हम दूसरों की देखभाल कर पाएंगे। जैसे कि खुद की तबीयत का ठीक होना जरूरी है ताकि आप बीमार पेशेंट का ध्यान रख सको, तो उसी प्रकार से यदि आपने स्वयं का ध्यान रखा है तभी हम आप अच्छे से दूसरों की भी सेवा कर पाएंगे। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था नमिता जी। अब जाने से पहले मैं आपसे आखिरी मैसेज लेना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। ओके, एक और प्रश्न आ गया है। यहाँ पर आया है अगला प्रश्न प्रिया जी का। वो कह रही है, आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल अराउंड मी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ मी, सो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, आई कीप अ लो की एंड आई डू नॉट मेक I do to make them feel comfortable and happy and help and make them happy, but they say bad things about my character and disrespect me. I just avoid responding, but it's increasing. It hurts because I don't show my pain and keep a smile. What should I do? Keep mum or give them strong response? Tried humbling, even taking. Please suggest. प्रिया जी बड़ा ही इमोशनल क्वेश्चन कर रही हैं। वे कह रही है कि मेरे आसपास के जितने भी परिवारजन हैं या फिर मित्रगण हैं, वो मुझसे बड़ी ईर्ष्या करते हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन करते हैं। मैं कोशिश
कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा उनको कुछ ना बताऊँ, मैं फील करवाऊँ कि वो कम मैं खुश हूँ और वे लोग भी कंफर्टेबल रहे, खुश रहे, परंतु फिर भी वे मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोलते हैं, मेरी डिसरेस्पेक्ट भी करते हैं, मेरी बेइज्जती भी करते हैं। मैं सोचती हूँ कि इनको रिस्पॉन्ड ही ना किया जाए, परंतु ये जो व्यवहार है उनका वो बढ़ता जा रहा है और मुझे भी तकलीफ होती है ऐसे दर्द से, परंतु फिर भी मैं एक चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इन दर्दों को सहन करती रहती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए या इन्हें अच्छा सा जवाब देना चाहिए? बल्कि विनम्रता की भी कोशिश की, तो विनम्रता के साथ भी यहाँ पर कोई अच्छा स्टेप नहीं हुआ है, तो प्लीज कुछ बताइए नमिता जी। थैंक यू प्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों को ये डिफिकल्टी होती है। बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं माइंड में, मैं एक बार थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने थॉट्स को। देयर इज वन थियोरी, मेनी थियोरीज दैट आई टॉक अबाउट। एक ये पॉइंट है कि हम वैसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, या वैसा ही बिहेवियर अट्रैक्ट करते हैं जैसी हमारी अपने आप के बारे में सोच होती है। तो अगर हमारी सोच ये है कि आई एम नॉट गुड, आई एम बैड, आई एम नॉट डूइंग वेल, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर हम ऐसे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं ताकि हमारी वो जो खुद के बारे में धारणा है वो पूरी है। तो वो लोग फिर आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग अ लिविंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ लव एंड ऑनरिंग योरसेल्फ, है ना, तो अगर आपके ही विचारों के कारण, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और जो विचारों का संकल्प है ये हमारी वैदिक दृष्टि में पूरी तरह फिट होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये नए नए सारे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, बट हमारे शास्त्रों के अनुसार है कि जैसी हमारी बुद्धि होती है, जैसी हमारी सोच होती है, वैसा हमारा आसपास का वातावरण बनता है, वैसे लोग हम अट्रैक्ट करते हैं। तो व्हेन वी इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग अबाउट अदर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, मुश्किल होती है ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर। और एक बार क्योंकि हम सिंसियर होते हैं, वो बिलीव भी करते हैं, सोचते भी हैं उसके बारे में कि क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या इज इट रियली आई एम लाइक दैट। लेकिन क्या है कि यू नो, सब लोग का लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग रहता है, सब लोग अलग अलग वे में परेशान होते हैं, और हम भी दूसरों को काफी परेशान करते हैं हमारे बिहेवियर से। तो व्हेन वी लर्न हाउ टू लव आवर सेल्व्स, ऑल दिस दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट्स अ लेसन फॉर यू दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ, जैसे जैसे वेज में ये एक्सप्लेन किया है आज। तो आप जब आत्म प्रेम सेल्फ लव में आप आगे बढ़ते हैं, यू स्टार्ट ऑनरिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, तब दूसरे लोग भी आपको एक अलग वे में ट्रीट करेंगे। एक तो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई है, दूसरे लोग उस वाइब्रेशन पे मैच नहीं करते, या तो वो खुद छूट जाते हैं या वो एक आपके साथ में रिस्पेक्टफुली डील करते हैं। व्हेन दे सी कि यू आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जब आप अपने आप को एक वैल्यूबल वस्तु के जैसे रखते हो, तो दूसरा भी फिर आपको एक वैल्यूबल वस्तु, वैल्यूबल इंसान के जैसे समझने लगता है, ट्रीट करने लगता है। तो ये एक समझना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू हैव ट्राइड एवरीथिंग टू मेक देम हैप्पी, कीप द रिलेशनशिप बट स्टे फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड योर गोल्स एंड योर इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड जैसे जैसे आप एडवांस होंगे, वैसे वैसे उनके बिहेवियर चेंज होंगे या वो चले जाएंगे। अब इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगी, कई बार हम ये टाइप करते हैं, हम बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ और है वगैरह, एंड यू नो इट हैपेंस, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब हम ये सोचते हैं कि अरे अदर पीपल आर जेलस ऑफ मी, है ना, तो उसमें कहीं ना वी ऑल्सो आर फीलिंग सुपीरियर अबाउट आर सेल्व्स, है ना, इट इज अ साइन दैट ऑफ अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अरे आई एम सुपीरियर देन देम, दे आर फीलिंग जेलस ऑफ मी। तो कहीं ना कहीं हम भी एक ईगो प्लेटफॉर्म पे से एक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके आपके वो सेंटेंस लिखने का एक्चुअल अर्थ क्या था, लेकिन क्योंकि वो शब्द यूज किया गया है, मैं उसके बारे में कह रही हूँ। व्हेन वी थिंक अदर पीपल आर जेलस ऑफ मी, मतलब हाँ मेरे में कुछ मानता है तभी अलग अदर पीपल आर जेलस ऑफ मी, तभी ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो
वो एक थोड़ा माइंडसेट अगर है तो हमें उसको थोड़ा बदलना है। हमें ये विनम्रता के साथ रहना है कि मेरे में जो गुण है वो भगवान से आए हैं और मैं उनके आगे उनके साथ ही आगे बढ़ूंगी, भगवान के साथ ही। एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फाइनली इट इज बिटवीन यू एंड कृष्णा, है ना। तो आप जैसे जैसे खुद को आगे बढ़ाते रहेंगे, खुद के अंदर जैसे भी डायमंड है, आप अनपॉलिश डायमंड है, अगर आप खुद के ऊपर पॉलिश करने का वर्क करेंगे, डायमंड विल स्टार्ट शाइनिंग। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वट अदर पीपल से डोंट बॉदर, एंड इफ दे आर रियली सो टॉक्सिक देन यू मिनिमाइज योर इंटरेक्शन और मिनिमाइज इंटरेक्शन इन दोज थिंग्स इन विच दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स आर डिस्कस्ड। दूसरे बातें करो, क्योंकि उनको समझाने से लोग समझते कम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उनको समझ होती तो वो ऐसा करते ही ना। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, थैंक यू। एंड आई होप इनको भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें या तो उनको अवॉइड कर सकते हैं, और यदि अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं तो जहां पर हमें लगता है कि वो टॉक्सिकनेस आएगा, उन इंट्रैक्शंस को कम कर दीजिए। तो एक राइट बैलेंस को स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। And तो I'll just बहुत say one more, one last point coming to my mind, कि just because वो लोग uncomfortable feel कर रहे हैं, उसके कारण अपनी personality को आप कब तक दबाओगे? आप अपने true nature को, अपने talents को आप कब तक दबाओगे? If you do that, that is not being self-loving, that is not honoring the gifts that Krishna has given to you. So you continue doing and growing in your life. Don't get so disturbed by what other people think. थैंक यू नमिता जी। जाने से पहले आप कुछ दर्शकों के लिए एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे इस सेल्फ लव को समराइज करते हुए संक्षेप में? सेल्फ लव, आत्म प्रेम, खुद से प्रेम करना, खुद को समझना, खुद के नेचर को समझना, और वो समझते हुए, ध्यान रखते हुए अपना आगे, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना। तो ये सब हम सबको करना है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अपने आप को काटना, अपने आप को दबाना, ये सब सेल्फ लव नहीं है। अपने आप को बुरा भला कहना, बुरा भला समझना, ये सब भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो हमें खुद से प्रेम करते हुए, भगवान को प्रेम करते हुए आगे बढ़ना है, भगवान की सेवा में और सबकी सेवा में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी, बहुत सुंदर टॉपिक था आज का। क्योंकि हम आत्म प्रेम, दुनिया से प्रेम कर जाते हैं पर स्वयं प्रेम को भूल जाते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे टिप्स हमसे शेयर किए हैं। थैंक यू वेरी मच नमिता जी। पुनः भेंट होगी आपसे अगले सप्ताह इसी समय पर और भी कुछ नए रोमांचक टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक हरे यू। कृष्ण। तो इसी के साथ हमारा आज का ये बहुत ही स्पेशल शो, जिसका नाम है लाइफ कोचिंग विद नमिता जी, जीवन में बने विजेता, ये समाप्त होता है। बहुत ही इजी और आसान तरीके आपसे शेयर किए नमिता जी ने, और उन्होंने रूटीन बेसिस पे कैसे हम अपने से आत्म प्रेम जागृत कर सके इसके लिए भी टिप्स शेयर किए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, और आपसे जो टिप्स शेयर किए जा रहे हैं उसे अपने जीवन में जरूर अप्लाई करते रहिए। और जाने से पहले, हमारा ये नया चैनल है जिसमें हम लाइव आते हैं, हरे कृष्ण टीवी लाइव, आप सभी से पुनः निवेदन है कि कृपा करके इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा अपने जितने भी मित्रगण सगे संबंधी है उन सभी को भी इस चैनल का लाभ पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः भेंट होगी अगले सप्ताह में। हरे कृष्णा।